बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे आप अपने हाथ पाँव को गोरा बना सकते हैं। गोरे गोरे नरम मुलायम हाथ देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए हाथ पाँव गोरे चिट्टे बनाने की एक ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। और मेरी आपसे प्यारे व्यूवर्स रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, ये दूध है, ये 2 चम्मच अपने दूध ले लेना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसके अंदर ये एक विटामिन ई का कैप्सूल शामिल कर देना है। और इसके अंदर आपने एक लेमन का, हाफ लेमन का जूस भी शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए हाफ टी स्पून है ये भी। और किसी अच्छे ब्रांड के एरोवेला जेल भी आपने शामिल कर देनी है, ये हाफ टी स्पून। ये लेमन कुदरती ब्लीचिंग इफेक्ट का काम करता है। ये आपके हाथों की रंगत को इंशाल्लाह ताला गोरी चिट्टी बना देगा। और आपने ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करनी। और एक चम्मच आपने अर्के गुलाब का भी ले लेना है, इसके अंदर शामिल कर देना है। और आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है अच्छी तरह। ये देखें व्यूअर्स, ये आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। फिर आपने रुई की मदद से या हाथों की मदद से इसको अपने हाथों और पाँव पे अप्लाई करना है। और आधे घंटे के बाद आपने इसको धो लेना है। ये कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके हाथ पाँव इंशाल्लाह ताला गोरे सफ़ेद और चिट्टे हो जाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकती हैं, तो मैं वो आपकी आपके मसले का हल आपको बताऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये प्यारे व्यूअर्स, आपने इस तरह ये लेमन के ऊपर आपने क्रीम को लगा के इस तरह आपने अप्लाई करना है अपने हाथों पे। ये देखिए अच्छी तरह। इस तरह अप्लाई करना है, 20 मिनट लगे रहने देना। 20 मिनट लगे रहने के बाद ये आपने इसको साफ पानी से धो लेना है। ठीक है जी, बस अल्लाह हाफिज। एक दफा लगाने से माशाल्लाह कितनी ग्लो, कितनी वाइट वाइट मेरा हाथ लग रहा है। ये मैंने पहले दिन अभी इस्तेमाल की है ये रेमेडी, और आपने भी ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करनी है। और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी।